अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ जिंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। दुनिया में सिर्फ एक मोहब्बत ऐसी है जिसको देखकर अल्लाह खुश होता है, वो बीवी की खावंद से और खावंद की बीवी से मोहब्बत है। मियां बीवी जब एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो अल्लाह पाक खुश होते हैं, क्योंकि निकाह एक पाक रिश्ता है। जिस तरह स्त्री करने से कपड़ों में जान आती है, बिल्कुल इसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आती है। अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दो, क्योंकि बावकार शख्स अपनी बीवी के वकार और इज्जती नफ्स का खुद ख्याल रखता है। बीवी मोम की तरह नर्म फितरत वाली होती है, जिस सांचे में ढालना चाहोगे ढल जाएगी। एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कैनात होता है। एक मर्द जब बाप का दर्जा पाता है तो 10 गुना ज्यादा वफा करने वाला, मोहब्बत करने वाला और ख्याल करने वाला इंसान बन जाता है। शौहर और बीवी एक दूसरे का साया होते हैं। साये के बिना इंसान तन्हा रह जाता है। अच्छे मियां बीवी एक दूसरे के जज्बात के साथ नहीं खेलते। शौहर का थोड़ा सा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है। बीवी अपने शौहर के मामले में बहुत हसास होती है, अपने खामंद की जरा जरा सी तवज्जो पाकर बहुत खुश होती है। शौहर को अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हमसफर मिले। मियां बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। अगर ये दोनों आपस में मुकाबला करने लगे तो दुनिया का मुकाबला क्या खाक करेंगे। जिंदगी मेहरबान और खूबसूरत लगती है जब हम सफर खैर ख्वाह और हसास करने वाला हो। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालदैन से भी बड़ा दर्जा शौहर को दे देती है। जो मर्द अपनी बीवी का ख्याल शहजादी की तरह रखता है, असल में वो ये साबित करता है कि उसकी परवरिश किसी मलका ने की है। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज उसकी बीवी है। बीवी नाराज होकर शौहर से बोलना छोड़ भी दे, मगर शौहर से मोहब्बत करना और फिक्र करना फिर भी नहीं छोड़ती। मियां बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बे बात सफाइयां ना देनी पड़े। नायाब होते हैं वो मर्द जिनके किरदार की खुशबू पाकर औरत खुद मोहब्बत का इजहार करती है। बीवी को प्यार की मार मारो और शौहर को अतात की, फिर ये बीवी तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी और शौहर तुम्हें इस जन्नत की मालकिन बना देगा। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और एक औरत चाहती है उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है।